गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अभी ये देखिए, सीवी भी सो रहे, सीवी के पापा भी सो रहे हैं और हम ऊपर सोते हैं। अब हम नीचे जाते हैं, नीचे जाके देखते हैं क्या हो रहा है। वो भाभी को देखिए, भाजी तोड़ रही है सुबह से। मम्मी, और ये देखिए इसको, क्या था कल हम मार्केट से आते टाइम पिज़्ज़ा का पूरा सामान लेके आए थे, तो हम पिज़्ज़ा बनाएंगे, दीदी के पार्लर से आते थे। ये देखो इसको, ये है जो मेरा पूरा ब्लॉग ख़राब करता है। ये देखिए, ये देखो, ये देखिए इसको, गौर से देखिए इसको, ये सो रहा है अभी। ये तो हम किचन में चल के पिज्जा बनाते हैं। हाँ शिवू, तो शिवी भी उठ गई है। ये अरे ऐसे होने, ये शिवी भी उठ गई है। अब शिवी अपने मामू को उठाएगी। शिवू का मामू देखो, वो घोड़े बेच के सो रहा है। शिवू मामू को उठा के आओ। मामू, तो क्या है, शिवी अपने मामू से डरती है अभी, तो अपने मामू के पास नहीं जा रही है। देखो बैठिए शिवू, वो अपने मामू से डरती है, तो नहीं तो अभी हम सो रहे होते तो जाके उठा देती, लेकिन ये शिवू, शिवू थोड़ा सा यहाँ से छेद करके दूंगी तो थोड़ा सा जाएगा। अच्छी है, ये देखिए कैसी ऑरेंज खा रही है। क्या खा रहे हो बेटे? ऑरेंज खा रहे हो, ऑरेंज खा रहे हो आप? तो हम अभी किचन में आ गए, अब हम पिज्जा बनाएंगे। पिज़्ज़ा बनाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि पिज़्ज़ा कैसे बनाते हैं। भाई के आने के पहले मैं पिज़्ज़ा बना लूँगी तो वो तो मेरा पूरा ब्लॉग ख़राब करेगा। तो लगता है वो उठ गया है, तो मैं जल्दी जल्दी कर लूँ ना। तो वो तो मैं दीदी के पार्लर से आते टाइम मैंने ये पिज़्ज़ा का सामान लेके आई हूँ। अब मैं घर में ही पिज़्ज़ा बनाऊँगी। ये मैंने शिमला मिर्च काट लिया है, प्याज काट ली हूँ, और अभी ये पिज़्ज़ा सॉस, ये पूरा सामान है। तो अभी मैं जब इसको डेकोरेट करूँगी तो आपको दिखाऊंगी। एक्चुअली डेकोरेट नहीं होता, एक्चुअली क्या होता है कि इसमें जब भी आप, मतलब ये ब्रेड है, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, हालांकि ये मैं हैंडल कर रहा हूँ ये ब्लॉक को। सो अभी ये देखो, अभी ये चीज़ है। सो अपन ने जो इसके बाद जो मतलब ब्रेड रहता है पकने के बाद, पकता नहीं है, इसमें चीज़ रश कर देते हैं, देन इसके बाद आपको इसमें मिलेगा। सो ये है, ये किशन का है पिज़्ज़ा पास्ता, ये मतलब कि सॉस है। देन ये है, ये है रणवीर का सिंह का, ये ऑन्ड, ये ब्रेड हो गया। सो ये आइटम है तो मैडम बना रहे हैं। सो ये देख सकते हैं आप, ये मैडम बनाना तैयार कर रही हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगी मैडम, आप क्या करेंगी सबसे पहले? आप सबसे पहले हम ये प्याज को इस प्लेट पे रखेंगे क्योंकि ये प्लेट पे नहीं आ रही है। हाँ, ये तो छोटी मोटी बातें हैं, आप बड़ी बातें बताएं ना थोड़ा सा। अभी इसको बंद कर। नहीं नहीं, अरे काहे के लिए बंद करें? बंद करना थोड़ी ज्यादा बेइज्जती इज्जती ना कर। सो गाइस देख सकते हैं, अभी फिलहाल इसमें सबसे पहले मैडम आप क्या डालने वाली हैं? शेजवान चटनी। हाँ, तो ये शेजवान चटनी डाल रही है, ये देख सकते हैं आप, बहुत ही प्यारी, बहुत ही लाजवाब लगती है। फिलहाल देखिए चखने लगी है, बिल्कुल देखो ये देखो, ये बिल्कुल रेड रेड दिखती है। डालें अच्छे से, देखने में डालती है तो कुछ और लगता है, हालांकि चलो ठीक है, अच्छी बात है। सो फिलहाल देख सकते हैं आप, देख सकते हैं मैडम, पहली बार बना रहे क्या आप? ना ना, सेकंड टाइम। सेकंड टाइम बना रहे हैं वो? कभी खाए हो आपने? हाँ खाए हैं, जब हम समदड़िया कॉलेज जाते थे, समदड़िया मॉल बंक मार के जाते थे वहीं से। हाँ, वहीं हाँ, हाँ।
शेजवान चटनी और डालते हैं कि मैडम थोड़ा सा इतने डालते हैं बस ना, थोड़ी पिज्जा सॉस भी डालते हैं। अच्छा 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 ओके ओके अरे 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 अच्छा ये पिज्जा सॉस डाल दिया है। ओए इससे क्या होता है मैम? ये टेस्ट अच्छा आता है। अच्छा टेस्ट अच्छा आता है। ओके 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 इसमें कितनी क्वांटिटी में डालते हैं? इतनी क्वांटिटी में डालते हैं पर्याप्त आता है? टेस्ट अच्छा आता है इसमें हिसाब से? अच्छा 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 सबका अपना अपना टेस्ट रहता है। अच्छा अच्छा आपको कैसा टेस्ट है रहना? मेरा टेस्ट ये पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मेरा भाई मेरा वीडियो बना रहा है, मेरी बेइज्जती कर रहा है। हाँ तो कोई बात नहीं मैडम। सो फिलहाल अभी देखो ये कितना मिक्स हो चुका है, बिल्कुल रेड रेड थोड़ा मैडम, ये किनारे किनारे भी बचा हुआ है। तो आप सब जगह मतलब मिक्स करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ये मैंने इसमें ये डाल दिया है। हाँ जी हाँ जी। अब उसके बाद मैं इसमें ये प्याज वगैरह डालूंगी। अच्छा अच्छा ये टुकड़ों में डालेंगे मैडम? टुकड़े में डालूंगी। अच्छा इसको पीस के डालेंगे तो वो सही लगेगा नहीं क्या? क्या अपन पिज्जा बना रहे हैं? अपन पनीर की सब्जी नहीं बना रहे मसाले वाली, जो अपन इसको पीस के डालेंगे। अच्छा 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 ऐसा है क्या? बस आप इतने डालोगे? ना ना आप देखते जाइए। अच्छा मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, यहीं खड़ा हूँ ना। हाँ, अच्छा 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 ये मैंने ये डाल दिया। हाँ फिर ये देखिए मैंने इसमें क्या खाने में तभी अच्छा, मजा आता है जब इसका डेकोरेट अच्छा होता है। अच्छा डेकोरेट अच्छा होता है। अच्छा 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 भले ये मत बोलिए कि शादी में डेकोरेट होता है, मैं पिज्जा में भी कर रही हूँ। अच्छा अच्छा ओके मैम ओके ओके। तो थोड़ा बहुत आप जो बैकग्राउंड में जो आप ये सब देख रहे हैं इसको थोड़ा सा इग्नोर करके ऑनली ऑन फोकस ये पिज्ज़ा में करिएगा। पिज्ज़ा में देख रहे हैं मैडम कितना प्यारा बना रही है यहाँ पास, और ये इसको डेकोरेशन कितना प्यारा कर रही है। जितना अच्छा डेकोरेशन रहता है उतना खाने में अच्छा लगता है, मैडम का कहना है ऐसा। सो फिलहाल आपने मटर पहले से ही इसमें मतलब कि निकाल के रखा था इसमें डालने के लिए? हाँ। ये आप झूठ क्यों बोल रही है? ये तो मम्मी ने निकाल के रखा था। चलो ठीक है कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं, आप इसमें अच्छे से डाल रहे हैं। ओके ओके इसमें मैम कितने बाइट निकलेंगे? इसमें कितने बाइट निकलेंगे मैम? वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि कितने बाइट निकालना है। सो ओके मैम कोई बात नहीं। सो फिलहाल मैम आप इतने ही डालेंगे? ये हमने इसमें डाल दिया, अब हम इसको क्रश करेंगे। अच्छा क्रश करेंगे मैम, कैसे करेंगे? वो मैं दांत से किससे करेंगे? ओके तो मैम आप अभी क्या कर रहे हैं मैम? ये चीज को मैं इसमें अच्छा अच्छा ये चीज है, इसको चीज बोलते हैं। अच्छा आप ये चीज वो बना रहे हैं क्या बोलते हैं इसको? मुझे लगता है कि ये जो भैया वीडियो बना रहे हैं इन्होंने कभी पिज्जा नहीं खाया, क्योंकि पिज्जा चीज से ही बनता है। अच्छा अच्छा चीज डालने से मैम क्या होता है इसमें? इसमें लेवड़ापन। अच्छा वो जब उठाते हैं तो उसमें जो चिपका चिपका टाइप में रहता है, अच्छा वो आता है ना। ओके मैम ओके। तो देख सकते हैं मैम कितना प्यारा डेकोरेशन कर रही हैं। सो एक्चुअली क्या है कि जो आपने अभी तक ये रेसिपी जो देखी है एंड अभी तक जो आशु ने बताई आपको कि क्या क्या डाल रहे हैं, एक्चुअली क्या है कि इसको मैंने पहले से बता के रखा था कि मतलब कि क्या कैसा डालना है। सो फिलहाल अभी आशु हंस रही है कि मतलब कि रेसिपी उसकी है, मैं क्रेडिट ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है। एक्चुअली मैंने पूरा इसको बता के रखा था कि मतलब क्या क्या डालना है, क्या क्या लेना है। इसको शॉप भी नहीं मालूम थी कि कैसे क्या मटेरियल लेना है, तो मैं शॉप में गया और भैया से बोला कि मुझे पिज्जा का ये मटेरियल दो, ये मटेरियल, इसको कुछ पता नहीं था। हालांकि मैंने इसको बताया हूँ। सो फिलहाल देखो अब बन जाता है, इसके बाद आपको मैं बताते हैं कि कैसा लगता है लाजवाब चीज़ पिज्ज़ा।